हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये है जीएसटी अकाउंटिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है और कहाँ पे अप्लाई होता है। यानी कि बहुत सारे ऐसी जगह है, वैसे बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हर वो ट्रांजेक्शन के बारे में अभी हम लोग समझेंगे जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, और उस केस में कैसे अकाउंटिंग किया जाता है ये हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जिसमें आपको लिखा हुआ है जीएसटी आर नॉट लेफ्ट, जीएसटी नॉट लेफ्ट। ठीक है, इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहला केस क्या कह रहा है, सबसे फर्स्ट केस है अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कैपिटल इनटू द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर एज कैपिटल, है ना। आप एज अ ओनर आप जो भी पैसा लगाते हो अपने बिजनेस में उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और उस कैपिटल पे कभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, एकदम सिंपल सा बात है ना। उस पर जीएसटी कैसे अप्लाई हो सकता है? आप मान लीजिए आप अपने बेटे को पैसा देंगे पॉकेट मनी और कहेंगे बेटा जीएसटी काट के देंगे, तो कैसे चलेगा, है ना। बेटा कहेगा पापा आप दौड़ा गए, है ना। तो कहीं ना कहीं एक बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है जहां पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। पहला, जहां पर कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। अमाउंट विड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्रॉइंग, है ना। पर्सनल यूज मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग। तो अगर ड्रॉइंग आप कर रहे हो तो ड्राइंग के केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब कि अगर हम अपने दुकान से कुछ पैसा निकाल रहे हैं, मान लीजिए 10,000 रुपया निकाल रहे हैं, तो अब ये बताओ 10,000 रुपये हम अगर दुकान से निकालेंगे तो क्या जीएसटी लग जाएगा क्या, 18% जीएसटी। मतलब हम निकाले हैं 10%, 10,000 और 18% जीएसटी 1800, तो टोटल 11,800 हो जाएगा वो। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो ड्राइंग पे भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट अमाउंट है, नेक्स्ट है आपका डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप बैंक में जो पैसा जमा करते हैं, बैंक में जो पैसा जमा करोगे क्या उसमें भी लग जाएगा जीएसटी? नहीं, है ना। अगर आप 5 लाख रुपया मान लीजिए बैंक में जमा करते हैं और बैंक का जो कैशियर है वो कहता है देखिए सर 5 लाख तो जमा कर रहे हैं मगर 5% जीएसटी काट के, है ना, 5% जीएसटी काट के जमा करेंगे, तो बताओ कोई इंसान जमा करेगा बैंक में पैसा? 5% मतलब कितना हो जाएगा, 25,000 रुपया। बताओ तो जरा, फ्री फोकट का 25,000 देना पड़ जाएगा कि नहीं। तो इसलिए जीएसटी अगर बैंक में कुछ पैसा जमा करते हैं तो उस पे भी, बैंक से पैसा, बैंक में पैसा जमा करो या फिर बैंक से पैसा निकालो, उस केस में आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। डिपॉजिट करिए चाहे विड्रॉ करिए, क्योंकि ये इट जस्ट कैश ट्रांजेक्शन है ना, यहाँ पे कोई बड़ा इवेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर एंड डिस्काउंट रिसीव। अब जैसे मान लीजिए हम एक दुकानदार हैं और आप भी एक दुकानदार है, ठीक है, और हम आपसे कुछ उधार खरीदे और हम आपको पैसा पैसा देने के लिए, अमन आवाज नहीं आ रहा, वो थोड़ा नेटवर्क इशू होगा इसलिए थोड़ा बहुत कट रहा होगा, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पर ओके है बाबू। ठीक है, यहाँ से सब कुछ डन है, सब हाई स्पीड पे चल रहा है, थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू होने के कारण हो सकता है बीच बीच में कटे। ठीक है, तो अगर आप कुछ उधार बेचते हैं, ठीक है ना, उधार, ठीक, आगे बढ़ो, है ना। अगर आप जैसे क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, हम जैसे मान लीजिए किसी से उधार खरीदे, 1 लाख रुपए का उधार खरीदे, तो जब हम वो पेमेंट करने जाएंगे तो उसपे हमको अलग से जीएसटी नहीं लगेगा। बात समझ में आया? फिर से जीएसटी नहीं लगेगा, एक बार ऑलरेडी जब खरीदे थे उस समय जीएसटी लग गया था, तो दोबारा से जीएसटी लगता नहीं है। अच्छा, एक बात थोड़ा समझना, ड्राइंग जब करते हैं, जब ड्राइंग करते हैं तो दो चीज करते हैं ड्राइंग के लिए, हम लोग दो चीज करते हैं, या तो कैश या तो गुड्स, है ना। तो अगर कैश निकाले हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब गुड्स निकाले हो तो उस जीएसटी को कैंसिल भी करना पड़ता है। आपको याद होगा आप ऊपर में जर्नल एंट्री पास किए हैं, अगर गुड्स निकालते हैं, जैसे मान लीजिए जीएसटी का क्वेश्चन है, जीएसटी एट द रेट ऑफ आपका 5% है, ठीक है,
और अगर आप 1 लाख रुपए का ड्राइंग किए हैं, 1 लाख रुपए का ड्राइंग किए हैं और वो भी गुड्स है, तो एंट्री क्या होगा? सर ड्राइंग अकाउंट डीआर, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेस, है ना? और चूंकि जीएसटी लगा है, परचेस गुड्स की बात हो रही है ना, कैश अगर होता तो दिक्कत नहीं था, मगर चूंकि परचेस किया हुआ चीज है, तो यहां पर जब परचेस किए थे तो इनपुट दिए थे, जब परचेस करते हैं तो इनपुट जीएसटी देते हैं कि नहीं, और उसको कहां लिखे थे? डेबिट में। इसी चीज को कैंसिल करने के लिए कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। तो परचेस के साथ इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आ जाएगा आपका, है ना? और परचेस कितने का है? 1 लाख रुपए का, जिसमें 5% तो 2.5% हो जाएगा, 2500 और 2500, तो टोटल हो जाएगा 1,05,000 रुपया। तो अगर आप गुड्स निकालते हैं तो उस केस में जीएसटी क्रेडिट होगा, इनपुट जी, मगर कैश निकाले होते, अगर यही कैश निकाले होते तो कोई जीएसटी का एंट्री नहीं होता, सिंपली हो जाता ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू कैश, ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू कैश 1 लाख रुपया एंड 1 लाख रुपया, मगर गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? आगे ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा। जब आप डेटर को पैसा देते हैं और उससे कुछ डिस्काउंट लेते हैं, वो भी एक तरीके का क्या है? जीएसटी फ्री ट्रांजेक्शन है, वहां पे जीएसटी नहीं लगता। कोई बैड डेप्ट, बैड डेप्ट मतलब क्या होता है? बैड डेप्ट मतलब होता है कोई पैसा लेके भाग गया, तो कोई पैसा लेके भाग गया या फिर बैड डेप्ट रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा जब मिल जाता है, उस केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, है ना? उस केस में भी जीएसटी आपका चार्ज नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, अगर आप वेजेस दे रहे हैं या फिर सैलरी दे रहे हैं, उस केस में भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा थोड़ी होता कि आप मेरे यहाँ काम कर रहे हो और हम आपको जब सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी 10,000 रुपया दे रहे हैं प्लस उसमें जीएसटी काट ली, ऐसा नहीं होता है। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये तो सरकार के द्वारा फ्री किया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है? एंड लास्ट है आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस के ऊपर भी जीएसटी आपका चार्ज नहीं होगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस कहने का मतलब जैसे ऑटो फेयर ये सब में जो चार्जेस लगता है, वो सब पे आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो पॉइंट अभी हम कवर किए, इसको ध्यान में रखते हुए ये सारा क्वेश्चन आप इजिली बना सकते हो, ठीक है? कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ रवि, रवि एंड कंपनी लखनऊ, एज्यूमिंग ऑल द ट्रांजेक्शन हैज बीन इंटर्ड विद इन द स्टेट। तो विद इन द स्टेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। और क्या कह रहा है? 6% ईच, मतलब 12% टोटल लगेगा। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 और चेक 4 लाख। तो बताओ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, है ना? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका एंट्री क्या होगा? यहाँ पर एंट्री हो जाएगा आपका, आपको सॉल्यूशन ही दिखला देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैश अकाउंट डीआर, चेक लगा रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डीआर और टू कैपिटल, है ना? किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके रिप्लाई करना। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, यहां पर जीएसटी तो लग जाएगा क्योंकि गुड्स का सेल एंड परचेस कर रहे हैं। अबाउट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपीस, लिस्ट प्राइस कितना है बच्चों? 1 लाख रुपया। चलिए बहुत अच्छी बात है, गोपाल ब्रदर्स से खरीद रहे हैं, अच्छी बात है। लेस 20% का ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% का कैश डिस्काउंट। 20% का ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले माइनस करेंगे, है कि नहीं? तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 20,000 रुपया। तो फाइनली अमाउंट आपका कितना आ गया? 80,000 रुपया। अच्छा 5% का कैश डिस्काउंट भी बोल रहा है और कह रहा है 60% अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली बाय चेक, 60% का पेमेंट हो चुका है। तो सबसे पहला हमारा काम है जीएसटी जोड़ना, बाउट कर रहे हैं यानी कि परचेज, और परचेज के साथ क्या लगता है? इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। तो 80,000 का 6%, अच्छा 4800 रुपया, और 4800 रुपया तो फाइनली हो जाएगा 89,600, ठीक है? ये आपका फाइनल बिल बना।
अब इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करने आता है, 60% वो पेमेंट कर रहा है तो कैश में आपका 60% हो जाएगा और उधार में कितना हो जाएगा? हाँ, अरे बैंक से दे रहा है तो बैंक लिख देंगे, चेक से दे रहा है तो बैंक लिख देंगे, और 60% 40% 60% आपका कैश में है और 40% क्या है? उधार है। अच्छा, कैश डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करोगे? 80,000 का यूज करोगे। कैश डिस्काउंट निकालने के लिए किसका यूज करोगे? 80,000 रुपये। तो चलो कैश डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 80,000 रुपया टोटल वैल्यू है जिसमें वो 60% बंदा दे रहा है, तो 80% अच्छा 48,000 रुपया, और 48,000 का 5% कितना होगा? 2,400 रुपया, है ना। तो सर आप इतना जल्दी कैसे निकाल लेते हैं? सर 80,000 का 60% 48,000, 48,000 का 5% 2,400। बाबू सब प्रैक्टिस है, अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आराम से निकाल पाएंगे। अब आपको कैलकुलेटर का या फिर अगर मोबाइल से कैलकुलेट करने का लत लग गया तो फिर बहुत गड़बड़ है, ठीक है। हम बहुत कैलकुलेटर यूज करते हैं मगर हम इतना ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हम ये सब परसेंटेज इजिली देखते के साथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस परफेक्शन आप में भी आ सकता है मगर कब? जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि कैश डिस्काउंट कितना है? 2,400 रुपया। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, डिस्काउंट रिसीव 2,400 रुपया दे रहा है और परचेस किए 80,000 रुपए का, 48,000 रुपए का टैक्स है, एंड आपका बैंक अकाउंट डीआर और ये गोपाल ब्रदर्स। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में इसके ऊपर काफी चर्चा किए, एक पूरा डेडिकेटेड क्लास ही इसके ऊपर था, है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेल से रिलेटेड है तो ये भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? पेड टू गौरी शंकर 95,000 बाई चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। देखो ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें जीएसटी तो नहीं लगेगा, इतना तो जान लो। सर जीएसटी क्यों नहीं लगेगा? बाबू पेमेंट कर रहे हो। अब मान लीजिए हम उधार खरीदे थे तो उस समय तो जीएसटी लग गया होगा, और अब हम पैसा देने जा रहे तो उधार खरीदे उस समय भी जीएसटी, पैसा देने जा रहे उस समय भी जीएसटी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहे हैं? हम पेमेंट कर रहे हैं बाकी का। अब यहाँ पे समझने वाला बात क्या है? जिसका जर्नल एंट्री स्ट्रॉन्ग होगा वो एक बार में प्रिडिक्ट कर लेगा, पकड़ लेगा। देखो क्या हो रहा, पेड टू गौरी शंकर 95,000 बाई चेक, 95,000 दे रहे हैं चेक से, है ना, तो बैंक आफ्टर डिडक्टिंग 5%, 5% काटने के बाद, यानी कि अब ये बताओ किसी को भी जो पैसा देना होता है वो एक्चुअली में 100% होता है। जैसे मान लीजिए हम आपको बोले बाबू एक महीना हो गया फी पेमेंट करो, तो तुम जो पे करोगे वो 100% ही पे करोगे ना, आप जो पे करोगे वो क्या 100% पे करोगे। मगर कहे सर थोड़ा दिक्कत है सर, 10% का डिस्काउंट दे दीजिए ना, तो हम कहे चल भाई। तो 10% डिडक्ट करने के बाद हमको कितना मिलेगा? 90% मिलेगा। कितना मिलेगा? 90%। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या कह रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग 5%, तो 5% अगर माइनस कर देते हैं तो एक्चुअली में वो कितने परसेंट के बराबर है? 95% के बराबर है। यानी कि ये जो 95,000 है वो कितने परसेंट के बराबर है? 95% के बराबर है। तो 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? तो सर 100% 1,00,000 होगा। अगर 95% 95,000 है तो 100% कितना होगा? 1,00,000 रुपया होगा। अब 1,00,000 रुपया के बदले वो कितना दे रहा है? 95,000 दे रहा है, तो 5,000 का क्या हो गया? कैश डिस्काउंट, और इसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसीव। क्यों डिस्काउंट रिसीव? क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो फाइनली यहाँ पर देखिए एंट्री क्या होगा, आपको बुक में डायरेक्ट सॉल्यूशन में दिखला दे रहे हैं। गौरी शंकर देखिए 1,00,000 आ गया ना, 1,00,000 कैसे हुआ? क्योंकि 95,000 दे रहा है और 5,000 का कैश डिस्काउंट, तो टोटल अगर डिस्काउंट नहीं देता तो कितना होता? 1,00,000 रुपया, जिसमें कि 95,000 पे कर दिया और 5,000 का डिस्काउंट मिल गया। अच्छा यहां पर ये जो तुम देख रहे हो एक पॉइंट आपको दिख रहा है, पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट दिख रहा है, ये थ्री ऐसे ही मिस्टेक नहीं है, ये नोट 3 लिखा हुआ है। ये जो 3 है ये बता रहा है कि ये 1,00,000 कहां से आया। क्वेश्चन में तो 1,00,000 के बारे में बोला ही नहीं है, क्वेश्चन में तो 1,00,000 के बारे में बोला ही नहीं है, तो ये 1,00,000 आया कहां से? तो वो कैलकुलेशन करके आया।
देखिए नीचे कैलकुलेशन शो कर रहा है, देखो आप, देखो यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट नंबर थ्री, टोटल अमाउंट पेएबल। टोटल अमाउंट पेएबल मतलब कितना पे करना था। तो आप अभी हम आपको बताएं कि ये जो 95,000 है वो एक्चुअली में 95% के बराबर है कि नहीं। तो 95,000 को 95 से डिवाइड कर देंगे तो 1%, और 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो तो यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। हाँ सर, यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ, बात समझ में आया। तो इस तरीके से 1,00,000 रुपए आया। तो ये जो वर्किंग है ना बच्चों, ये आपको शो करना पड़ेगा। आपको हम शुरू से बता रहे हैं, वर्किंग नोट इज पार्ट ऑफ योर आंसर, वर्किंग नोट इज पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा। आई नो अभिषेक कि कुछ बच्चे ऑलरेडी पहले से जानते थे, आप भी समझते थे, मगर कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा भुलक्कड़ टाइप होते हैं, गजनी टाइप, जो भूल जाते हैं, तो उनके लिए हम रिपीट कर देते हैं ताकि उनको रिकॉल हो जाए। बाकी ऐसा हम बस बता दे रहे हैं कि भाई आपको कन्फर्म रहे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड बाई चेक 20,000 एंड फॉर रेसिडेंस 10,000। देखो घर के लिए भी दिए, ऑफिस के लिए कितना दिए, ऑफिस के लिए दिए हैं 20,000 का, और घर के लिए रेसिडेंस यानी कि ड्रॉइंग हो जाएगा कितना, 10,000। तो इसमें जीएसटी लगेगा क्या, नहीं। तो फाइनली अमाउंट कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए। एंट्री आपको आता है, इसमें कुछ डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। चलिए फिर उसके बाद पेड सैलरी बाय चेक, पेड सैलरी बाय चेक, इसका भी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डियर टू बैंक अकाउंट, है ना। दीनानाथ अ डेटर, 40,000 का एक डेटर है, हैज बिकम बैंकक्रप्ट एंड 25% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक। आप देख रहे हो सिर्फ पूरा जर्नल एंट्री का क्वेश्चन उठा के यहाँ पे रख दिया, कुछ नया नहीं है। अब बताओ 40,000 रुपया लेना था, बैंकरप्ट हो गया यानी कि इंसॉल्वेंट हो गया, अब उससे पैसा नहीं मिल पाएगा। तो मात्र कितना पैसा मिल रहा है, 25%। तो मतलब 40,000 रुपये में मेरा 25% तो पैसा मिल रहा है, मगर बाकी का पैसा क्या हो गया, डूब गया। अब बाकी का पैसा कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया, 40,000 का 30% कितना होगा, स�सॉरी 40,000 का 75%, 30,000 रुपया, 10,000 रुपया मिल रहा है। तो 10,000 जो मिल रहा है वो कैश हो जाएगा, और जो नहीं मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, बैड डेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल ट्रांजेक्शन है, इसका जर्नल एंट्री आपको पास कर लेना है, एकदम आसान है, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विड्रू फ्रॉम बैंक 60,000 एंड फॉर ऑफिस यूज, फॉर पर्सनल यूज 20,000। देखो ये क्वेश्चन में कई बार बच्चा कंफ्यूज करता है, एक बार फिर से हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा समझना। देखिए दुकानदार का पैसा बैंक में रहता है, मान लीजिए हम बिजनेसमैन हैं और मेरा पैसा बैंक में है तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, हम अपना बिजनेस का पैसा बैंक में रख सकते हैं। अब बैंक से पैसा निकाले, देखिए क्या कह रहा है, विड्रू फ्रॉम बैंक 60,000 फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाले, तो बैंक बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि बैंक में जो पैसा था निकाल लिए तो बैंक बैलेंस घट गया, और वही पैसा मेरे दुकान में आ गया। निकाले हैं इसका ये मतलब नहीं कि खर्च हो गया, 60,000 का तो काम हो गया, मगर हम अगर 20,000 की बात करें तो 20,000 रुपया भी निकाले हैं, मगर किस चीज के लिए निकाले हैं, पर्सनल यूज के लिए। तो चूंकि बैंक से निकाले हैं तो बैंक बैलेंस आपका घट जाएगा, मगर चूंकि पर्सनल यूज के लिए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग हो जाएगा। तो एंट्री आपको बहुत अच्छे से आता होगा, मगर चलो एक बार फिर से हम बता देते हैं एंट्री। जो ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, बैंक रिड्यूस हो रहा है इसलिए इसको क्रेडिट किए, 60,000 और 60,000। मगर पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाले उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू बैंक, कितना हो जाएगा, 20,000 और 20,000 रुपए। बस ये फाइनल आपका जर्नल एंट्री है। आई होप कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो। क्या बोल रहे हैं, आप चाहे तो मर्ज करके भी एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका,
रिसीव्ड बाई चेक फॉर बैड डेट रिटेन ऑफ लास्ट ईयर, रिसीव्ड बाई चेक बैड डेट रिटेन ऑफ लास्ट ईयर, इसका क्या मतलब है कि सर चेक से रिसीव हुआ जो पिछले साल डूब गया था, तो इसमें भी किसी भी तरीके का जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होगा। एंड लास्ट में एक जीएसटी वाला क्वेश्चन दे दिया, लास्ट में एक जीएसटी वाला क्वेश्चन दे दिया, देखो क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 टू किशोर अगेंस्ट अ चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 2% सेल कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस। देखिए क्या कह रहा, 60,000 का कॉस्ट है, कॉस्ट कितना है 60,000 का, ये भी पहले आप लोग को बता चुके हैं मगर चलो कैलकुलेशन बता देते हैं। तो कॉस्ट में सबसे पहले क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट जोड़ते हैं, प्रॉफिट कितना है भाई 25%, तो 60,000 का 25% कितना होता है 15,000 रुपया, तो फाइनली कितना हो जाएगा 75,000 रुपया। ठीक है, अब हम इसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो माइनस 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 7,500 रुपया माइनस हो जाएगा, तो फाइनली होगा 67,500। ठीक है, अब यहां पर जीएसटी आपको लगाना पड़ जाएगा क्योंकि सेल परचेज के केस में जीएसटी लगता है, तो प्लस सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। तो कैलकुलेटर में पीछे देखो, नहीं है, ठीक है, 67500 का 6% 4050, और इसका भी हो जाएगा 4050। ठीक है, तो 67500 टोटल अमाउंट हो गया आपका 75600। बात समझे, इसके हिसाब से आपको अकाउंटिंग कर लेना है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े कि जीएसटी कहां पर नहीं लगता है, एकदम आसान है, किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं होना चाहिए, आप इजिली प्रिडिक्ट पता कर लोगे कि कहां पर जीएसटी लगेगा कहां पर जीएसटी नहीं लगेगा, है ना। इस क्वेश्चन में सेट ऑफ करने के लिए नहीं बोला था, हालांकि आपको अगर करने का मन है तो कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और उस टॉपिक का नाम है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कहने का मतलब होता है जब आप बिहार का सेलर हैं, बिहार से यूपी बेच रहे हैं, बिहार से कहां बेच रहे हैं यूपी बेच रहे हैं, या फिर यूपी से बिहार बेच रहे हैं, सर बस यूपी बिहार झारखंड नहीं, अरे नालायक कहीं भी बेच दो, है ना, दूसरे स्टेट में होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई, है ना। और इंटर स्टेट सप्लाई में आपको याद होगा हम लोग क्या लगाते हैं, आईजीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अच्छा आपको ये भी पता है कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में एक बार में टोटल लगता है, आपको स्लैब पता है 0%, 5%, 12, 18 और 28। तो पांच, या तो क्वेश्चन में तुमको 5 दे देगा, 12 दे देगा, 18 दे देगा, 28 दे देगा, सर क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा तो सर, देखो ऐसा होता नहीं है जनरली, ऐसा कभी होता नहीं है कि क्वेश्चन में कुछ ना दे। मान लो अगर ऐसा गलती हो गया तो टीचर से पूछ के कोई परसेंटेज मान लो, सर टीचर नहीं है तो सर, तो भाई खुद मान ले और नीचे लिख देना कि हाँ इट हैज बीन अज्यूम दैट द जीएसटी रेट हैज बीन कंसीडर्ड एट 18%, 28%। हेलो, गायब हो गया। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखो एडजस्टमेंट के बारे में बोल रहा है, ये जो टॉपिक आपको बोल रहा है ये आपको यहाँ से पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम इसको आपको समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे ओरली, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर आइए और देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो ये है तुम्हारा इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर एक क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इंटर स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, पास द एंट्री इन द बुक ऑफ मिस्टर गोपाल, मिस्टर गोपाल जी के बुक में आपको अकाउंटिंग करना है, एंट्री करना है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी देके, मगर आपको पता है अगर आउटसाइड द स्टेट सेल हो रहा है तो ये जो सीजीएसटी का 6% है और एसजीएसटी का 6% है दोनों जुड़ के 12% हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे,
आईजीएसटी बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आईजीएसटी। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो इसको एक बार देखते हैं कि क्या कह रहा है यहां पे, है ना। गोपाल परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर 1.5 लाख रुपया फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड द पेमेंट बाय चेक। कोई दिक्कत नहीं है, परचेज किया है ना, तो परचेज किया तो परचेज अकाउंट डियर, चूंकि परचेज किया है तो इनपुट, मगर इनपुट जो लिखेंगे उसके साथ क्या लिखेंगे, आईजीएसटी, है ना, आईजीएसटी डेबिट। 1.5 लाख रुपए का गुड्स है और आईजीएसटी कितना हो जाएगा, 12%। तो एट द रेट ऑफ 12% के हिसाब से 1.5 लाख का 12% कितना होगा, तो 15,000, 18,000 रुपए टोटल कितना हो जाएगा, 18,000 रुपए। और टू पेमेंट चेक से कर रहा है तो टू बैंक, एंड टोटल कितना दे देगा, 1,68,000 रुपीज। तो देखिए आपका यही जर्नल एंट्री नीचे दे रहा है कि नहीं, परचेज अकाउंट डियर, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डियर एंड बैंक अकाउंट डियर। तो देखो यहां पर भले ही सीजीएसटी और आईजीएसटी लिख रहा है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, मगर आपको पता है जब आउटसाइड द स्टेट होगा तो कुछ बोले चाहे नहीं बोले हम क्या यूज करेंगे, आईजीएसटी यूज करेंगे, है ना। फिर कह रहा है ही सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख आउटसाइड द दिल्ली ऑन क्रेडिट, आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। 1 लाख रुपए का वो बेचा, तो बेचा है तो सेल है, तो सेल कहेंगे तो आउटपुट लग जाएगा, तो इसका एंट्री क्या होगा, उधार पे बेच रहा, उधार पे बेच रहा, तो उधार पे बेच रहा तो क्या बोलेंगे, डेटर। जिसको बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर, और जिसे खरीदते हैं उसको कहते हैं क्रेडिटर। इसमें बाबू एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सिंपल सा बात है, ये कौन है, दुकानदार है, ये कौन है, दुकानदार है। अगर ये सेल कर रहा है उधार पे, तो जिसको भी बेच रहा है उसको क्या बोलेगा, डेटर बोलेगा, है ना। ये कौन है, बिजनेसमैन। और अगर यही दुकानदार परचेस करता है उधार पे, तो जिसको भी जिससे भी परचेस कर रहा है उसको ये क्या बोलेगा, क्रेडिटर। तो ये बंदा जब अकाउंटिंग करेगा तो जिससे परचेस किया उसको क्रेडिटर बोलेगा, और जिससे उधार खरीदा है, जिसको उधार बेचा उसको क्या बोलेगा, डेटर बोलेगा, है ना। अगर क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ तब तो नाम यूज करते हैं, और अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो फिर क्या यूज करते हैं, डेटर एंड क्रेडिटर। हम ये ऐसा पॉइंट है ना बाबू कि अगर 10 बच्चों को समझाया गया है और 10 बच्चा समझ जाता, उसके बाद 4 दिन के बाद फिर जब पूछेंगे ना, तो 10 में से आधा बच्चा यानी 5 बच्चा गलत जवाब देगा। डैम सियोर है कि 5 बच्चा गलत जवाब देगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं आपको, ठीक है। सर आपका एक्सपीरियंस गलत है सर, दिखा देंगे, कभी मिलना, जब जिस दिन क्लास स्टार्ट होगा लाइव हम लोग पढ़ेंगे फिजिकली, तो उस दिन मिलना, उस दिन क्वेश्चन जब पूछेंगे तो समझ में आ जाएगा तुमको। फिलहाल तो 1-2 साल रुक जाओ, उसके बाद ही देखेंगे। ही सोल्ड गुड्स 1 लाख आउटसाइड दिल्ली आउटसाइड द स्टेट एंड ही सोल्ड 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। तो देखो एक क्वेश्चन कह रहा है आउटसाइड, तो जो आउटसाइड बोल रहा है, ये जो ग्रीन वाला है ये आउटसाइड है, तो इसमें आईजीएसटी लग जाएगा। और एक क्वेश्चन कह रहा है लोकली, तो लोकल जो बेच रहा है उसमें क्या लग जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो देखो एक क्वेश्चन में आईजीएसटी लगाया है और एक क्वेश्चन में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया। तो आज का क्लास में सिर्फ चर्चा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट एकदम छोटा छोटा आपको बताए हैं, और आप लोग अब इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं कि ये सब कॉन्सेप्ट के ऊपर आप इजिली क्वेश्चन बना लोगे, आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है आपका बच्चों टेलीफोन बिल 5,000 रुपया बाय चेक। अब देखो इसमें क्या होता है ना, टेलीफोन वाले बिल में जीएसटी लग जाता है। सर ऐसा थोड़ी होता है, एकदम ऐसा होता है, आप बात समझिए। आपको शायद पता नहीं है, आप अगर 599 का रिचार्ज कराते हैं, 599 का रिचार्ज करते हैं, तो जियो आपसे तो 599 ले रहा है, मगर आपको पता है इसमें इसमें 18% का जीएसटी भी लगा हुआ है। यानी कि ये जो 599 है इसमें 100% जो चार्ज है, 100% जो चार्ज है जियो का वो भी छिपा हुआ है, और 18% जीएसटी भी छिपा हुआ,
एक्चुअली में ये 599 रुपया का जो रिचार्ज किए हो वो 118% के बराबर है, बात समझे। अगर इसमें जीएसटी नहीं लगता तो पता है आपको कितना देना पड़ता, 599 अगर 118% के बराबर है तो 118 से डिवाइड किए, और जियो का चार्ज कितना है 100 रुपया, तो 100 से मल्टीप्लाई किए तो 599 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100। अगर सरकार जीएसटी नहीं लगाती तो आपको ये रिचार्ज मात्र 507 रुपए में ही मिल जाता, बात समझ में आया। तो टेलीफोन ये सब देना आपसे आपसे डायरेक्ट जियो वाला जो है या फिर एयरटेल जो भी है आपसे डायरेक्ट जीएसटी जोड़ के ले लेना, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। अच्छा मान लीजिए आप 10 रुपए का डेयरी मिल्क खरीदे, तो 10 रुपए का डेयरी मिल्क में क्या जीएसटी नहीं लगता है? ऑब्वियस सी बात है लगा हुआ रहता है, मगर आपको कंपनी जोड़ के अमाउंट मांगता है कि भैया जीएसटी जोड़ के 10% है। तुम कोई कपड़ा खरीदने जाओ उसमें देखो 5% का जीएसटी रहेगा, है ना, बहुत महंगा खरीदोगे तो 18% का जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ये जीएसटी अमाउंट जोड़ के कंपनी बताती है, इसलिए आपको क्या है यहाँ पे जीएसटी जो है आपको अलग से, मगर यहां पर आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आपको अलग से ही कैलकुलेट करना। अब तुम इसमें ये मत कहना कि सर तो जब जियो में आप ऐसे कैलकुलेट किए तो यहां पर भी ऐसे हो जाएगा कि 5,000 रुपया का पेमेंट किए हैं तो 5,000 में जीएसटी घुसा हुआ है, नहीं। आप ये मानिए जब तक नहीं बोले इंक्लूडेड, इंक्लूडेड नहीं जब तक बोले। आप देखते होंगे क्वेश्चन, आप डेयरी मिल्क मान लीजिए खरीदे 100 रुपया वाला किसी को देने के लिए, खुद तो नहीं खाते होगे पता है, देने के लिए ही खरीदोगे, सर नहीं सर खरीदते हैं, चलो ठीक है देने के लिए ना, नहीं सर खाने के लिए, तब ठीक है। तो उसमें देखना लिखा हुआ रहेगा इंक्लूसिव, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सारा टैक्स जुड़ा हुआ है, तो सारा टैक्स अगर जुड़ा हुआ है तो 18% का जीएसटी प्लस 100% डेयरी मिल्क का चार्ज, तो टोटल वो एक्चुअली में कितने परसेंट के बराबर है, 118% के बराबर है, बात समझ में आया, 118% के बराबर है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। पर यहां पर तुम लोग देखो यहां पर सिर्फ क्या कह रहा है, पेड टेलीफोन बिल 5,000 बाई चेक, ये नहीं बोला कि जीएसटी इंक्लूडेड है, तो आपको 5,000 अलग से और जीएसटी 6%, 5,000 का 6% कितना होता है, पंचक 30, 300, 300 और 300, तो टोटल कितना हो जाएगा 5,600 रुपया, 5,600 रुपया, ठीक है। तो आई इस तरीके का एक आध दो क्वेश्चन और देख लोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही परचेज एयर कंडीशनर फॉर ऑफिस 25,000 एंड पेड द अमाउंट बाई चेक। अब देखो क्या एसी में जीएसटी नहीं लगेगा, सर जरूर लगेगा, एसी में भी जीएसटी लगेगा, है ना, ऐसा थोड़ी होता कि जीएसटी पे एसी एसी पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। तो आप ये मत मानना कि 25,000 में जीएसटी छिपा हुआ है, नहीं, 25,000 तो एसी का दाम है और जीएसटी तुमको 6% लगेगा। देखो कुछ नहीं बोल रहा है यहां पर आप, अच्छा एक और पॉइंट आप देखिए, परचेस तो कर रहा है मगर परचेस के साथ आपको पता है इनपुट लगता है, ये भी पता है, मगर यहां पर देखो आउटसाइड है या विदिन है बोल रहा है कहीं, सर नहीं बोल रहा है, तो जब नहीं बोल रहा है तो मान लेंगे विदिन स्टेट है, क्या मान लेंगे विदिन स्टेट, और विदिन स्टेट में क्या लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। जब तक क्वेश्चन में आउटसाइड स्टेट ना बोले तब तक आप नहीं मानना, जैसे यहां पर देखो स्पेशली बोला है आउटसाइड द स्टेट, तो यहां पर हम लोग सीजीएसटी लगा दिए, यहां पर देखो आउटसाइड द स्टेट तो यहाँ पे आईजीएसटी आईजीएसटी दोनों में लगा दिए, मगर अगर ऐसा नहीं बोल रहा है क्वेश्चन साइलेंट है तो विद इन स्टेट मान लेंगे, तो 25,000 का 6% कितना होगा, 1,500, हाँ 1,500 और 1,500, तो टोटल कितना हो जाएगा 28,000 रुपया। तो देखिए यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया होगा, देखिए एसी के लिए हम लोग एसी नहीं लिखते हैं, बताए थे ना कंप्यूटर खरीद लीजिए, टाइपराइटर खरीद लीजिए, है ना, और फैन खरीद लीजिए, फ्रिज
फैन के लिए तो कभी कभी फिक्स्चर भी यूज कर लेते हैं, या फिर एसी यूज कर खरीद लीजिए। ये सब ऑफिस में यूज करते हो ना, इसलिए इसके लिए लिखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डीआर 1500 रुपया, सीजीएसटी एसजीएसटी या टोटल ये अमाउंट कितना हो गया 28,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे आपको बता रहे वैसे आपको समझ लेना है बस। अच्छा, यहां पर आपको नेक्स्ट लास्ट में क्या दे रहा है, लास्ट में आपको दे रहा है पेमेंट मेड द बैलेंस ऑफ जीएसटी, यानी कि वो सेटअप करना है। तो देखिए सेटअप आप इसका खुद करिएगा, इस क्वेश्चन का इलिस्ट्रेशन 6 का सेटअप कैसे होगा। ये जो सेटअप का एंट्री पास कर रहा है, सॉरी कहां गया, चलिए यही, ये जो सेटअप का एंट्री पास कर रहा है ये आप खुद करिएगा। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो फिर हम कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में बस फिलहाल इतना ही। आपको आज के क्लास के मदद से इलिस्ट्रेशन 5, 6 और 7 तीनों बना लेना, इलिस्ट्रेशन 5, 6 और 7, और इसका सेटअप का एंट्री भी कर लेना, ठीक है। और सेटअप का एंट्री हो गया, सब कुछ समझ में आ गया, तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं समझ में आया तो कल के क्लास में हम लोग इसके ऊपर और चर्चा करेंगे और सेटअप करने का विधि और अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।